एक नॉर्मल फैमिली मैन की लाइफ बदल जाती है जब एक वायलेंट अटैक के बाद उसे मीडिया की अटेंशन मिलने लगती है, पर इसके बाद कुछ ओल्ड टाइम गैंगस्टर्स भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो कौन है ये आदमी और क्यों एक के बाद एक गैंगस्टर्स इसे मारने के लिए इसके छोटे से शहर में आ रहे हैं? आइए देखते हैं हमारी आज की मूवी अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अब तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम दो आदमियों को देखते हैं जो ट्रैवलर्स हैं और अभी एक छोटी सी शॉप से बाहर आए हैं। सूट वाला आदमी यंग लड़के को उस शॉप के अंदर जाके रास्ते के लिए पीने का पानी भर के लाने के लिए कहता है, और जब वो लड़का अंदर जाता है तब हम देखते हैं कि इन दोनों ने कुछ देर पहले इस शॉप के ओनर और उसकी बीवी को मार दिया है। पानी भरते हुए मरे हुए शॉप ओनर की 5 साल की बच्ची बाहर आ जाती है और अपने पेरेंट्स की डेड बॉडीज देख के रोने लगती है, पर ये लड़का बिना किसी हेजिटेशन के उस छोटी बच्ची को भी शूट करके मार डालता है। दरअसल ये दोनों वॉलेंट रॉबर्ट्स हैं जो ट्रैवल करते हुए छोटे शहर के स्टोर्स को गन पॉइंट पे लूट लेते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती और ये दोनों कभी किसी विटनेस को भी अपने पीछे जिंदा नहीं छोड़ते। नेक्स्ट सीन में हम एक टॉम नाम के आदमी को देखते हैं जो इंडियाना स्टेट के एक छोटे से शहर में एक डाइनर चलाता है। टॉम एक फैमिली मैन है जिसे इस शहर में सब जानते हैं। टॉम की वाइफ एडी एक लॉयर है और उसके दो बच्चे हैं जैक और सैरा। टॉम का बेटा जैक पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है और अपनी परफॉर्मेंस से अपने स्कूल की बेसबॉल टीम को कई टूर्नामेंट जितवा चुका है, पर एक अच्छा प्लेयर होने के बाद भी बॉबी नाम का एक बुली लड़का उसे खुद से अच्छा परफॉर्म करने के लिए तंग करता रहता है और हमेशा उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है, पर जैक हमेशा उसके आगे हार मान लेता है और इसी वजह से बॉयज लॉकर रूम में सब उसे वीक और डरपोक समझते हैं। टॉम एक रात को अपने एम्प्लॉयज के साथ डाइनर बंद करने से पहले वहां की सफाई कर रहा होता है और अब वहां बस दो ही कस्टमर्स खाना खा रहे होते हैं जब वो दोनों वायलेंट चोर टॉम के डाइनर में एंटर करते हैं। कॉफी ऑर्डर करने पर टॉम उन्हें पोलाइटली कहता है कि ये उनका क्लोजिंग टाइम है और अब वो उन्हें कुछ सर्व नहीं कर सकते, पर उनमें से एक रॉबर आवाज ऊंची करके टॉम और उसके एम्प्लॉयज पे चिल्लाता है और टॉम किसी लड़ाई झगड़े से बचने के लिए उन्हें कॉफी सर्व करने लगता है और अपनी वेट्रेस को घर जाने के लिए कहता है, पर दूसरा रॉबर उस लड़की को बाहर नहीं जाने देता और उसको डरा के गलत इंटेंशन से टच करता है और अब पहला रॉबर अपनी गन निकाल के टॉम पे पॉइंट करता है। टॉम उन्हें कहता है कि वो उनका सारा कैश ले सकते हैं, बस उसके एम्प्लॉयज या किसी कस्टमर को हार्म ना करें, पर उन दोनों चोरों का हमेशा की तरह किसी भी विटनेस को जिंदा छोड़ने का कोई प्लान नहीं होता और टॉम इस बात को सेंस करते ही गर्म कॉफी का फ्लास्क पहले रॉबर के मुंह पे मारता है और उसकी गन उठा के दूसरे रॉबर को शूट करके मार देता है। अपना पैर जख्मी होने के बाद भी वो दूसरे रॉबर को उठने नहीं देता और उसे भी फेस पे शूट करके मार डालता है। डाइनर में मौजूद सभी शॉक रह जाते हैं कि कैसे टॉम जैसा पोलाइट और रेगुलर आदमी ने इतनी बहादुरी से दो क्रिमिनल्स को मार गिराया है। अपने पैर के जख्म के लिए जब तक टॉम को हॉस्पिटल लाया जाता है तब तक डाइनर में बचाए गए लोगों के इंटरव्यूज टीवी पे आने लगते हैं। हर लोकल और इवन कुछ नेशनल न्यूज और न्यूज़पेपर में भी टॉम को एक हीरो का दर्जा मिलने लगता है। टॉम जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तब भी हॉस्पिटल के बाहर उसके शहर के कई लोग उसे कंग्रेचुलेट करने आते हैं। टॉम के घर के बाहर भी इंटरव्यूज के लिए मीडिया नेटवर्क्स की वैन आने लगती हैं, पर टॉम उन्हें पोलाइटली किसी भी इंटरव्यूज के लिए मना कर देता है और कहता है कि वो कोई हीरो नहीं है और उसकी जगह कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसा ही करता। घर में जैक भी अपने फादर पे बेहद प्राउड फील करता है क्योंकि उनके इस छोटे से शहर में अब टॉम एक हीरो बन चुका है। एडी देखती है कि उनके घर से कुछ ही दूर एक ब्लैक सेडान कई घंटों से पार्क्ड है और टॉम कहता है कि शायद ये मीडिया वाले ही होंगे और उन्हें अवॉइड करने के लिए वो बाहर नहीं आता। टॉम के डाइनर में अब कस्टमर्स की भीड़ लगने लगती है क्योंकि सभी को उनके लोकल हीरो को कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है। एडी भी अपने काम से ऑफ लेके टॉम और उसके एम्प्लॉयज की हेल्प करने आती है क्योंकि वो लोग इतने कस्टमर्स को टाइम पे सर्व नहीं कर पा रहे होते। तभी सूट्स पहने 3 आदमी वहां एंटर करते हैं और उन आदमियों का बॉस काल टॉम को जोई नाम से बुलाता है और कॉफी पिलाने को बोलता है। टॉम उसे कॉफी सर्व करता है और कहता है कि उसका नाम जोई नहीं टॉम है, और काल अपना चश्मा निकाल के उसे अपना इंजर्ड फेस और आंख दिखाता है और कहता है कि अब शायद तुझे अपना असली नाम याद आ जाए, पर टॉम कहता है कि वो उसे या किसी भी जोई नाम के आदमी को नहीं जानता, और काल स्माइल करता हुआ वहां से उठ के बाहर चला जाता है। उनके
वहां से जाते ही टॉम की वाइफ एडी अपने शहर के शेरिफ को फोन करके उन तीन सस्पिशियस आदमियों के बारे में बताती है और शेरिफ उनकी ब्लैक कार को शहर से बाहर जाने वाली रोड पर रोक लेता है और उनकी आईडी चेक करके पूछता है कि वो यहाँ किस काम से आए हैं। कार्ल मुस्कुरा के कहता है कि वो लोग टूरिस्ट हैं और बस कॉफी पीने आए थे और शेरिफ से बिना डरे शहर से बाहर निकल जाते हैं। शेरिफ इसके बाद टॉम और एडी के घर जाता है और उन्हें कहता है कि उसने उन लोगों के बैकग्राउंड चेक किए हैं और वो आदमी कार्ल फिलाडेल्फिया के आयरिश माफिया का एक पुराना लीडर है और उन सभी गैंगस्टर्स के मल्टीपल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, पर बेदरेज होने की वजह से ये लोग हमेशा बेल भर के जेल से बाहर ही रहते हैं। शेरिफ टॉम से पूछता है कि क्या वो इन लोगों को कहीं से जानता है, पर टॉम कहता है कि वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता और वो लोग उसे न्यूज में देख के शायद कोई और आदमी समझ बैठे हैं। अगले दिन सुबह अपना डाइनर ओपन करने से पहले टॉम अकेले वहां अपना दिमाग शांत करने के लिए जाता है, जब उसे बाहर कार्ल की पार्क्ड ब्लैक कार दिखती है और वो कार उसे देख के रोड पे चलने लगती है। टॉम बाहर आके अपने इंजर्ड पैर के साथ ही उस कार के पीछे भागने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फैमिली डेंजर में हो सकती है। टॉम लंगड़ाते हुए ही एडी को कॉल करता है और उसे कहता है कि एलमेरा में से शॉटगन निकाल के लोड कर लो इन केस वो आदमी कार्ल या उसके आदमी उनके घर पहुंच जाए तो। पर टॉम के वहां पहुंचने तक उसके घर पे सब ठीक होता है और उसका बेटा जैक ये जान के सरप्राइज होता है कि उनके घर में एक शॉटगन है क्योंकि उसके पेरेंट्स तो बेहद काम कपल हैं। नेक्स्ट डे एडी अपनी बेटी सैरा के साथ एक शॉपिंग मॉल जाती है। शॉपिंग करते हुए एडी नोटिस करती है कि सैरा गायब है और वो घबरा के उसे इधर उधर ढूंढने लगती है और फाइनली सैरा उसे मिल जाती है, पर वहीं पास में वो आदमी कार्ल भी बैठा होता है। कार्ल एडी को कहता है कि उसके हस्बैंड का नाम जोई क्यूजैक है, जो फिलाडेल्फिया के एक माफिया बॉस रिची क्यूजैक का छोटा भाई और एक ओल्ड टाइम गैंगस्टर है और उसी ने कुछ सालों पहले कार्ल के चेहरे की ये हालत करी थी। पर एडी उसकी बात सुने बिना ही अपनी बेटी को लेके वहां से चली जाती है। स्कूल में जैक को फिर से बॉबी नाम का वो लड़का तंग करने लगता है और बाकी स्टूडेंट्स के सामने जैक के फादर को मर्डरर कहता है, पर इस बार उसकी फैमिली को बीच में लाने की वजह से जैक उसकी हरासमेंट नहीं झेलता और बॉबी को उसके एक दोस्त के साथ पीट देता है। इस लड़ाई की वजह से जैक को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है और घर पे टॉम उससे समझाता है कि वॉयलेंस के बिना भी लड़ाई को सुलझाया जा सकता है, पर जैक तुरंत कहता है खुद तो आपने रॉबर्स को फेस करते हुए उन्हें गोलियां मारी थी तो क्या वो वॉयलेंस नहीं थी, जिसपे टॉम गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और जैक नाराज होकर घर से बाहर निकल जाता है। एडी घर आके टॉम को मॉल में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है और कुछ ही देर में उनके घर के ठीक सामने कार्ल अपने दोनों आदमियों के साथ आ जाता है। टॉम एडी को घर के अंदर रहने को बोल के बाहर आ जाता है, जब कार्ल उसे पीसफुली अपने साथ कार में बैठ के फिलाडेल्फिया चलने को बोलता है, पर टॉम मना कर देता है, जिसपे कार्ल का एक आदमी अपनी कार में से जैक को निकालता है और वो कहते हैं कि वो पीसफुली अगर नहीं चलेगा तो वो उसके होस्टेड बेटे को हार्म करेंगे। टॉम मान जाता है और कार्ल जैक को छोड़ देता है, पर जैसे ही जैक सेफली टॉम के पास पहुंचता है टॉम उनके साथ कहीं भी जाने के लिए मना कर देता है और कार्ल अपने आदमी को सिग्नल करता है जो उसे गन पॉइंट पे अपनी कार में बिठाने का ट्राई करता है, पर टॉम बेहद तेजी से उसके एक आदमी को डिसार्म करके दूसरे को शूट कर देता है, पर इसी लड़ाई से अलर्ट होके कार्ल टॉम को गोली मारता है और टॉम नीचे गिर जाता है। कार्ल टॉम से पूछता है कि क्या उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश है। टॉम कहता है कि मुझे उस दिन सिर्फ तेरा चेहरा ही नहीं बिगाड़ना चाहिए था बल्कि तुझे मार ही डालना चाहिए था, जिसपे कार्ल स्माइल करता है इस सेटिस्फेक्शन में कि ये वही पुराना जोई है। पर कार्ल के उसे शूट करने से पहले जैक अपने घर की शॉटगन से कार्ल को पीछे से उड़ा देता है और अपने फादर की जान बचा लेता है। टॉम अपने गनशॉट वुंड के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो एडी को डरा हुआ देख के अपने पास के बारे में उसे सब सच बता देता है। टॉम कहता है कि उसका असली नाम जोई क्यूजैक है, जो फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क के क्राइम फैमिलीज के लिए एक हिटमैन हुआ करता था, पर उसने 16 साल पहले वो लाइफ छोड़ के एक नई पहचान के साथ एक नई लाइफ शुरू की और एडी से शादी और अपने बच्चों के बाद वो ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि उसके पास में ऐसे लोग भी हैं। टॉम का ये कन्फेशन सुन के एडी गुस्से से ज्यादा शॉक होती है क्योंकि वो इतने सालों से अपने हस्बैंड को नॉर्मल फैमिली मैन ही समझती थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद टॉम को सारे शहर वाले
शक की नजरों से देखने लगते हैं। इवन उसका अपना बेटा जैक भी उसे मर्डरर कह के बुलाता है। एक दिन टॉम के घर उनके शहर का शेरिफ आता है और वो टॉम से काल के आदमियों के साथ हुए शूट आउट और उसके अपने बैकग्राउंड के बारे में भी क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि अब उनके शहर में ये अफवाह होती है कि टॉम एक ओल्ड टाइम गैंगस्टर है। सरप्राइजिंगली एडी अपने हस्बैंड को डिफेंड करती है और शेरिफ से कहती है कि वो किसी जोई या काल को नहीं जानते और डाइनर में रॉबरी वाली रात से ही उनकी मुश्किलें कभी खत्म नहीं हुई और वो बस एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली है जो पीसफुली रहना चाहते हैं। एडी की बातें सुन के शेरिफ वहां से चला जाता है और टॉम से थोड़ा और टाइम नाराज रहने के बाद एडी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। देर रात को जब सब नींद में होते हैं तब टॉम को एक रिची नाम के आदमी का कॉल आता है और वो उससे तुरंत फिलाडेल्फिया आने को कहता है और वार्न करता है कि अगर वो नहीं आया तो रिची वहां आ जाएगा। अपनी फैमिली को और किसी खतरे में से बचाने के लिए टॉम एक 12 घंटे की लंबी ड्राइव करके अपने शहर से फिलाडेल्फिया चला जाता है और वहां एक बार में जाके एक आयरिश माफिया के मेंबर से मिलता है जो उसकी पहचान कंफर्म करके उसे रिची के पास उसके बंगलों में ले जाता है। रिची क्यूजैक आयरिश माफिया का एक रिस्पेक्टेड लीडर और टॉम का सगा भाई होता है जो उसे सालों बाद जोई नाम से पुकारता है। रिची उससे कहता है कि एक टाइम पे हम दोनों भाइयों से सभी क्राइम फैमिलीज के लोग डरा करते थे, पर तेरे एक्शंस और टेंपर की वजह से सब खराब हो गया और तेरे काल का चेहरा बिगाड़ के भागने के बाद यहाँ क्राइम फैमिलीज के बीच में जंग छिड़ गई। वो कहता है कि अगर जोई उसके साथ ही रहता तो आज वो सारे न्यूयॉर्क पे रूल कर रहे होते, पर अपने छोटे भाई की सुपीरियरिटी और भाग जाने की वजह से उसे कभी क्राइम फैमिली में प्रमोशन नहीं मिला और वो हमेशा फिलाडेल्फिया में ही रह गया। जोई उससे रिस्पेक्टफुली माफी मांगता है और कहता है कि अब वो एक नया इंसान है, पर रिची का उसे माफ करने का कोई इरादा नहीं होता और वो अपने पीछे खड़े आदमियों को इशारा करता है जो उसे चोक करके मारने लगते हैं। जोई ने सिर्फ अपना नाम बदला होता है पर वो आज भी पहले जितना ही लीथल होता है और तुरंत वो रिची के आदमियों से छूट के उन्हें मार के अधमरा कर देता है। रिची के ड्रॉर से हैंडगन निकालने तक वो उसके तीन आदमियों को मार के उस रूम से भाग निकलता है। अब तक रिची को गार्ड कर रहे बाकी आदमी भी अलर्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि जोई वहां से भाग निकला है, पर वो वहां मौजूद किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके पास से कोई भी वापस उसकी फैमिली को हार्म कर सके। जोई अपने भाई रिची को भी फेस करता है, पर इससे पहले कि रिची कुछ कह सके जोई उसे भी शूट करके मार डालता है। सब खत्म होने के बाद अर्ली मॉर्निंग जोई रिची के घर के सामने वाले पॉन्ड में जाके अपना चेहरा साफ करता है और खुद पे लगा खून वाइप करता है। ये रिकन्फर्म करके कि अब जोई को ढूंढने कोई नहीं आने वाला, टॉम अपने फैमिली अवतार में वापस आ जाता है और वापस ड्राइव करके अपने घर पहुंचता है जहां एडी, जैक और सैरा डिनर कर रहे होते हैं। सैरा टॉम के लिए प्लेट रखती है और जैक उसे खाना सर्व करता है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी फैमिली ने उसे फिर से पहले की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। एक और ऐसी ही क्राइम और गैंगस्टर मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।